ये इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है। 2000 नई बसें चलाएंगे, ये दूसरा बजट था। कितनी बसें चला रहे हैं आप? और पहले लैपटॉप दे रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं मैं, ये लैपटॉप नहीं बांट सकते, और नहीं बांटे इन्होंने। क्या वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी? अरे भाई, लैपटॉप क्या होता है, स्मार्टफोन ये भाई, माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इतना कुछ बदलाव लाए हैं, इतना बदलाव आप लाए, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप टैबलेट ले आए यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें बदली हैं आपने, टेक्नोलॉजी लगातार आप यूज़ कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य को ये तो बता दो, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप क्या होता है? अरे वो इंजीनियर, उनको मालूम है, MBA है वो। दो, ये दूसरा बजट है अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रदेश। आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1000 करोड़ रुपया। आप बताइए आलू की स्थिति क्या है आज, पूछिए अपने माननीय सदस्य लोगों से, हमारी बात मत मानिए। क्या आलू खरीदा जा रहा, क्या सरकार खरीदेगी आलू? क्या आलू सरकार खरीदेगी? मैं नेता सदन के बगल में बैठे वित्त मंत्री जी और नेता सदन से पूछा, क्या आलू आप खरीदेंगे? इतना खड़े होकर के बोल रहे थे, बोलिए आप आलू खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे, और जो कुछ भी संकल्प पत्र वादा किया है मान्यवर, वो सभी वादे पूरे करेंगे मान्यवर। ये वादे नहीं, और जनता ने वादे नहीं, इसी बात के ऊपर चुना है, चार चुनाव 2014, 17, 19 और 22, इसी क्रेडिबिलिटी के, यही है क्रेडिबिलिटी। और क्या, और क्रेडिबिलिटी का मानक क्या है? यही क्रेडिबिलिटी का मानक है। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानता हूँ ये आलू नहीं खरीदेंगे, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि सरकार धोखा दे सकती है, सरकार सच्चाई के से नहीं सामने आ सकती। आज जरूरत है आलू खरीदने की। जो आलू बेल्ट है, हमारे माननीय सदस्य, मैं नहीं खड़ा हूँ कि मंत्री हैं, कुछ लोगों की मंत्री पद छिन जाएगा, किसी की कुछ छिन जाएगा, इसलिए कोई सच नहीं बोलेगा। अकेले में अध्यक्ष जी पूछिए आलू की हालत क्या है, कोई नहीं पूछने वाला। धान में लूट हो गई, आलू में लूट होने जा रही है। और आय दोगुनी की बात कर रहे थे, 22 से 23 आ गया, किसी भी किसान के किसी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई किसान की। और लागत का हिसाब किताब लगाइए, ये डीजल पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो केवल डीजल पेट्रोल नहीं महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन महंगे का मतलब है हर चीज महंगी हो गई। एक महीने में बताइए आपने कितना डीजल पेट्रोल महंगा किया है, वो नहीं बताएंगे आप? एक नारा है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास। नारा है सबका साथ, सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल
वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। कोई बात नहीं, बोलने दो, वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। बोलते रहने दो ना, कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ और करने लगे अध्यक्ष महोदय, फिर आपको डांटना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।